बालाजी मंदिर हॉल पद्मनगर भिवंडी में पद्मनगर पावरलूम के मजदूरी दिन चलाने वाले कारखाने के मालिकों का एक जाहिर मीटिंग का आयोजित किया गया, जिसमें मंच पर उनका मलेशन त्रिपुण तिरुपति वधवल लक्ष्मण आसम राजेंद्र और सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंदी के चलते हुए भिवंडी पावरलूम के दिन चलाने वाले मालिकों का एक बैठक हुआ, इसमें एक कमेटी का भी एक करने का निर्णय लिया गया। इस कमेटी का रूपरेखा जल्द ही आपकी प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा आसम राजेंद्र ने हमको जानकारी दिया। सबसे पहले आपका नाम लेते हुए शुरू कीजिए। मल्लेशम कोंका। आज जो मीटिंग उसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। उसके बारे में क्या है, जो फिलहाल जो भिवंडी में मंदी चल रही है उसके बारे में, खासकर के पद्मनगर में भीम जो खुद का भीम चलाने वाले और मजदूर भीम चलाने वाले का मीटिंग लिया गया है, उस पर कमेटी बना के उनके जो निर्णय करेगा वो कमेटी उसको फॉलोअप करेंगे, पूरे मजदूरी वाले भी सर खुद के भीम वाले भी। ये कैसा मीटिंग बनेगा, कैसा किस तरह से मीटिंग बनेगा, ये क्या है, धर्म क्या है, धर्म के अंडर में बनेगा, किस में बनेगा? नहीं, ये जो कमेटी है पावर एसोसिएशन के मुताबिक, पावर की जो संस्था है उसके मुताबिक बनेगा, उसमें चार्टी कमीशन कोई इसमें नहीं है। इसमें टोटल यूनिटी होने के लिए और जो निर्णय कमेटी लेगा उसको फॉलोअप करने के लिए हम लोग लिया गया है, मंदी को टालने के लिए। मंदी जो हो रही है इसके हिसाब से लोगों का बहुत अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उसके लिए हमने मीटिंग लिया गया है। सिर्फ मजदूरी भीम के लिए है क्या? मजदूरी भीम के लिए खुद के दोनों के लिए है। उनका जरा नाम बताएंगे हमें, इसका अभी जो मीटिंग के अंदर जिनका नाम लिया गया है कमेटी के तौर पर, त्रिपुण तिरुपति एक है, मुल्लू वीरेंद्र है, सुनका मनोहर है, देवदास गाली, पोतु गंगाधर, मैकल अशोक, बड़ा सतीश, राजेंद्र वासम, छोटेपेल लिंगम, मोटेपेल श्रीनिवास, सत्यम मंचकटला। ये क्या करेंगे? ये जो 11 लोग हैं और खुद के भी वाले 5 लोग हैं और सलाहकार कमेटी के 5 लोग हैं, ये पूरी कमेटी बैठेगी और कमेटी जो निर्णय करेगा, बंद करने का, चालू करने का, कितना बंद करने का, क्या करने का, और भी जो समस्या है वो समस्या को पूरा कमेटी निर्णय करेगा, जो क्या करने के लिए आगे क्या रचना करना चाहिए, क्या करना चाहिए लोगों को, कैसे किस तरह अपने को इस कार्यक्रम को ले आगे ले जाना चाहिए। इससे पद्मनगर के सीमित है क्या? पद्मशाली पूरे कमेटी पद्मनगर से सीमित है क्या? पद्मशाली नहीं है, ये पूरे जितने पावर इंडस्ट्री के लोग हैं पद्मनगर में वो सभी के लिए गए लोग हैं। कभी और मीटिंग कभी होगा, और एक मीटिंग जाहिर मीटिंग और एक बार जाहिर मीटिंग अभी नहीं होगा, सिर्फ इसमें कि जो कमेटी बैठेगी अभी सलाहकार कमेटी नियुक्त करेगा, ये 16 लोग बैठेंगे, उसके बाद में जो निर्णय लेगा उसको फोन पे SMS से बता दिया जाएगा, क्या करने का उसके लिए भी अलग अलग काम करते रहेंगे। बारे में पिछले 2 महीने से हम लोगों का सर्वेक्षण चालू है, फिर पिछले हफ्ता नालापार के नुमानी भाई के नालापार एसोसिएशन का मीटिंग लिए थे, उधर का भी लोगों का राय मशवरा किया। कल अपना खालिद गुड्डू साहब का नेतृत्व में काड़ी पार का मीटिंग हुआ, उधर का भी सब लोगों का राय मशवरा लिया गया। इसी प्रकार मन्नान भाई का नेतृत्व में जब्बार कंपाउंड शांतिनगर में भी मीटिंग लिया गया, उन्हीं का भी ये किया। ऐसे इसी प्रकार हलारी पावरलूम एसोसिएशन वाले से भी मिला है, उनका भी समर्थन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बंद एक एरिया में रखे तो वो अच्छा नहीं रहे, पूरा भिवंडी में रखना पड़े। सबसे खतरा क्या है, पिछले बार अपना पद्मनगर में भी कुछ लोग ऐसा बंद का ये किए थे, तोड़े थे, ऐसा ना हो इसीलिए अभी हम खुद भीम वाला मजदूर मास्टर वीवर और वीवर दोनों का एक कमेटी बनाया, इसका पद्मनगर J&E एक्शन कमेटी का नाम दिया जा रहा है। ये एक्शन कमेटी का माध्यम से जो हमारा संस्था है मजदूर वीवर संघ, ट्रेड यूनियन महाराष्ट्र पावरलूम फेडरेशन, ऐसा कई संस्थाओं से अपना मुलाकात हो रहा है, कुछ ही दिनों में एक जाहिर सभा लेंगे स्टेडियम में पूरा भिवंडी का, उसमें राय मशवरा लेके सब लोगों का मानना है ज़्यादातर लोगों का बंद रखने का, या नहीं तो अपन मर जाएंगे करके, शायद हम यही सोच रहे हैं सबका राय मशवरा लेकर जो जाहिर सभा होएंगे उसमें क्या करने का निर्णय उधर कमेटी भिवंडी लेवल पर किया जाएगा। इसमें हर पार्टी का अध्यक्ष, नगराध्यक्ष और आमदार, खासदार, कारपोरेटर सबको हम साथ लेकर चलेंगे, लेके ये धंधे को फिर से खड़ा करने के लिए हमारा भरकम कोशिश चालू है। मेरा नाम वासम राजेंद्र है, अपना टेक्सटाइल से जुड़ा हूँ, मजदूरी भीम चलाता हूँ। हमारा यूनिटी जो पहला था ना वो टूट गई थी, इसीलिए सबका मनमानी हमारे ऊपर ही चल रहा था, वो हिसाब से हम लोग 3-4 साल से एकजुट होने का कोशिश कर रहा था। ऐसा हुआ था तो भिवंडी पूरा बंद करवाया था, उसका बेनिफिट भी आज हमको मिला है। कई साल भी जो मंदी के कारण हमारा मजदूरी घट गया ना, तो हिसाब से हम लोग पूरा फिर 2-4 मीटिंग लेके मजदूरी भीम वाले और खुद के चलाने वाले सबका
मीटिंग लेके उनका भी एक कमेटी बन गया। आज हमारा भी 11 जन का कमेटी बना है, सबका मिलके एक जॉइंट कमीशन कमेटी बना के फिर उसमें सलाहकार चुन के फिर हम लोग ये जो मंदी का एक टोरेंट का सब जो भी पावर प्लूम के मसले रहेंगे उनका हल करने की कोशिश करेंगे। इस कमेटी का नाम क्या दिया गया है? इस कमेटी का नाम इसके लिए दिया नहीं अभी तक कुछ, क्योंकि इससे पहले जो पद्मनगर में दो टेक्सटाइल एसोसिएशन है, एक वंगा पुरुषोत्तम जी के पास है, एक वड्डापल्ली लक्ष्मण के पास, उनका जो काम नहीं हो रहा है हम लोग पूरा कमेटी पूरा बॉडी बनने के बाद उन लोग से सलाह लेके वो दोनों कमेटी में से कौन सा भी एक कमेटी उसी में ज्वाइन करके उसी को चलाएंगे। अभी जो 100 लोग जो आए वो सब मजूरी भीम लोग है क्या? सब मजूरी भीम लोग है। कहाँ कहाँ से आए ये लोग? ये पूरा पद्मनगर पहाड़ी से अपना वराल देवी रोड से लेकर श्रीरंगा नगर तक, कोपा कंपाउंड से नारायण कंपाउंड तक, सब जगह से हमारे ज़्यादातर तेलुगु भाई लोग आए हैं। बाद में हमारा संगठन सही होने के बाद दूसरे जात के जो गुजराती भाई है सब भाई लोग को लेके फिर बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। आपका उद्देश्य क्या है? मैंने हमारा उद्देश्य हमारा जो टेक्सटाइल मैनचेस्टर है ना, इसमें हम जो प्रॉपर्टी जो हमारा 50 लाख का एक कारखाना भी हो सकता है, ये हम लोग उसमें ना सबको देने के बाद एक बार ना एक महीने में ना हमको कुछ भी नहीं बचता है, घर फिर घर से देना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए हम लोग आए हैं, सब लोग कमा लेते हैं, वर्कर लोग तक कमा लेते हैं, लेकिन हम लोग का पीछे हट गए ना, ऊपर वाले नीचे वाले सब लोग कमाते हैं, लेकिन हम लोग जाकर वहीं पे। तो जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? जनता से क्या आह्वान करेंगे? जनता से जो हमसे हमारा टेक्सटाइल से जुड़ा है उन लोग से हम लोग आह्वान करेंगे, जो भी हम लोग कमेटी निर्णय लेगा आप लोग हमारा सपोर्ट दें, हमारा सहायता करें और हम लोग आपको रिजल्ट देंगे और आपको बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट मीटिंग कभी होगा? नेक्स्ट मीटिंग अभी खुद का धंधे और हमारा मजूरी वालों का एक छोटा सा मीटिंग होगा, फिर बाद में जनरल मीटिंग को आपको इतना ये कोई संस्था के मार्फत बनाएंगे? कैसे बनाएंगे अभी जो कमेटी? एसोसिएशन के नाम से, मतलब ये जो चैरिटेबल के चैरिटेबल के माध्यम से बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? नहीं, टेक्सटाइल पावर लूम एसोसिएशन के नाम से बनाएंगे।